हर साल की तरह इस बार भी एपीजे द्वारका कैंपस ने किया मैराथन का आयोजन, जिसमें विशेष रूप से सक्षम बच्चों ने भी हिस्सा लेकर रन फॉर हेल्थ जैसे विषय को किया सपोर्ट। क्या था इस सब को लेकर एपीजे की फैकल्टी और विशेष रूप से सक्षम बच्चों की संस्था आशीष फाउंडेशन का कहना, आइए आपको सुनवाते हैं। आपका नाम कैसा? मेरा नाम है प्रोफेसर नवीन गौतम। अच्छा, एपीजे ने आज भी एक मैराथन का आयोजन किया है और इससे पहले भी करते रही है, तो क्या आइडिया था इस बार? एपीजे एजुकेशन सोसाइटी जो है वो वी आर यू नो कमिटेड टुवर्ड्स द नेशन बिल्डिंग एंड वी आर कमिटेड टू नो टू मैन बिल्डिंग। और हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है, सिंस हमारा जो कॉलेज है द्वारका में है एंड वी हैव टू स्कूल्स हियर, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। और यू नो आजकल पोल्यूशन आप देख रहे हैं, पोल्यूशन के कारण काफी प्रॉब्लम है सब लोगों को, तो दिस इज आवर इनिशिएटिव एवरी ईयर रन फॉर हेल्थ। तो इस दफे हम हेल्थ के लिए दौड़े और आई एम हैप्पी दैट इंटायर द्वारका, आप देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पर, तो पूरे द्वारका ने इसमें हमारा साथ दिया। और यू विल बी ग्लैड टू नो दिस टाइम अराउंड यू नो वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम आशीष फाउंडेशन, वो कुछ दिव्यांग बच्चे थे तो हमने उनके साथ एक बड़ी वॉक करी और उन बच्चों ने खूब ही उत्साह के साथ हमारे साथ पार्टिसिपेट किया। का नाम? आई एम रिंजू रत्नम, मैं आशीष फाउंडेशन लास्ट 2 साल से काम कर रही हूँ। ये फाउंडेशन जो है 2007 में इसकी स्थापना हुई थी और ये ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स और एडल्ट जो ऑटिज्म के हैं या फिर मानसिक विकलांगता बोल लीजिए, उनके साथ काम एसोसिएटेड हैं, काम करते हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन मतलब बहुत सालों से ऐसे बच्चों के बीच में काम कर रही है और हमारी संस्था की जो एम और विजन है कि ये बच्चे भी जो हैं परमेश्वर के द्वारा ही रचे गए हैं, तो उनको भी एक है कि वो भी एक नॉर्मल लाइफ जी सकें और एक अच्छा जीवन जी सकें जैसे नॉर्मल बच्चे जीते हैं। सो मैम, एपीजे के साथ आज कोलैब क्यों किया है आपने और क्या वजह रही है इसके पीछे? हम चाहते थे कि हमारे स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करें जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स करते हैं, तो हमारा था कि उसके साथ वो पार्टिसिपेट कर सकें। तो हम हमेशा पहले भी हमने भी एक एयरटेल और भी काफ़ी मैराथन्स हुए हैं जिसमें कि हमारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो ये भी एक हमें एक इनविटेशन था एपीजे की तरफ से, तो हमने सोचा कि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जहाँ हम अपने बच्चों को एक इंक्लूसिव जो कि हमारा विजन है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, उसको भी हम मतलब फॉलो कर सके। इसके पीछे आइडिया क्या है मैम, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि आप पहले भी मैराथन्स में पार्ट लेते हैं, आपने स्पेशल एबल्ड जितने भी आपके पास बच्चे हैं उनको लेकर, तो क्या आइडिया क्या है इसके पीछे आपका? ये ताकि हमारे बच्चे ऐसे ना लगे कि वो डिफरेंट हैं करके, हम उनको एक सोसाइटी में और लोगों के साथ भी इंक्लूड करना चाहते हैं ताकि सोसाइटी में भी अवेयरनेस आए कि ये बच्चे कोई अलग नहीं है एंड उनको भी एक एक्सपोजर मिलता है करके। इनफैक्ट हमारा एक स्टूडेंट है रोहन जिसने दिल्ली मैराथन में पार्ट लिया था और उसमें उसका फर्स्ट प्राइज मतलब आया एंड दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन कि हमारा स्टूडेंट मतलब डिसेबिलिटी के उसके अंडर आके भी लाइक ही वाज एबल टू अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया एंड दिस वाज अ ग्रेट अचीवमेंट एंड दिस गेव अस मोर मतलब हमें मोटिवेशन मिला और इनकरेजमेंट मिला कि हमें अपने स्टूडेंट्स को ऐसे इवेंट्स में ले जाना चाहिए और उनका पार्टिसिपेशन अच्छा रहता है, मतलब इनफैक्ट एक्सपोजर के लिए भी एंड ऑल्सो ग्रेट अवेयरनेस फॉर अदर पीपल ऑल्सो टू नो दैट दीज स्टूडेंट्स आर लाइक अदर एनी अदर नॉर्मल स्टूडेंट्स। ये थी दिल्ली से गौहर फारूक की रिपोर्ट न्यूज 18 के लिए।